नमस्कार, आप देखिए राजधानी समाचार। बात की जाए विदिशा लोकसभा सीट की, तो विदिशा लोकसभा सीट पर देखा जाए इस बार कांटे का मुकाबला, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। कहीं ना कहीं कोशिश पूरी है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाजपा पर उतारा है। कांग्रेस का ऐसा दावा है, कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगा के चुनाव जीतेंगे। भाई साहब जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे साथ मोहित रघुवंशी। भाई साहब, कैसे आप लोग पूरा प्रचार करो, कैसे आप लोग काम कर रहे हैं इस बार विदिशा लोकसभा? हमारा प्रत्याशी पूर्व में सांसद रह चुके हैं, नाम के मोहताज नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, पूर्व सांसद भी रहे हैं। 5 बार वो यहाँ से सांसद चुने गए, 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे। प्रताप भानु शर्मा जी 2 बार यहाँ से सांसद रहे, और रहा चुनाव का तो हमारा पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। प्रताप भानु जी हमारे ऐसे उम्मीदवार हैं जे बेदाग छवि है, जहाँ शिवराज सिंह पे कई आरोप हैं, व्यापम से लेकर जो भी हमारी भर्तियाँ हुई हैं, पटवारी भर्ती हो, चाहे हमारी नौजवानों के पर्चा लीक, छात्रों के पर्चे लीक हुए हों, हर हमेशा शिवराज सिंह विवादों में रहे हैं। और प्रताप भानु शर्मा एक स्वच्छ छवि के नेता रहे हैं, जब से छात्र राजनीति से लेकर उनने आज तक के जो 73 साल 74 साल की उम्र तक उनने राजनीति की है, वेदाग छवि के नेता है। इसका हमको पूरे क्षेत्र में एक फायदा मिल रहा है। देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही आपके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश कटारे और कांग्रेस के पूर्व विधायक शशांक भार्गव, ये सब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में गए हैं, क्या कारण रहा इनका? कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि ईडी का दबाव बनाते हैं, छापे का दबाव बनाते हैं, या जो नेता है वो दबाव जाते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी में ये नेता पले बड़े, कांग्रेस की विचारधारा थी तब तो इनने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी ने इनने सब कुछ दिया, आज ये कांग्रेस की बदौलत इनका इतना नाम हुआ। और अगर आज उन्हें मतलब उन्हें कांग्रेस ने जो उन्हें चाहिए थी उससे ज़्यादा दिया है, और देने के बावजूद भी अगर उन्हें उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में उनकी इससे बड़ी कोई महत्वाकांक्षा की बात हुई हो, हम तो उसको इसी डील में देखते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। वो एक ही जवाब देते हैं कि राम मंदिर को लेकर हिंदुत्व वाली पार्टी या बीजेपी, वह राम मंदिर का प्रतिष्ठान हुआ तो कांग्रेस नहीं गई, कांग्रेस के नेता नहीं गए, इसलिए हम कांग्रेस की विचारधारा के साथ नहीं हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर का भूमि पूजन किसने कराया, राम मंदिर के ताले किसने खुलवाए, राम मंदिर पर शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के शंकराचार्यों का जो बयान थे, अगर हम शंकराचार्य को नहीं मानते तो मैं नहीं समझता कि हम हिंदू हैं। हम शंकराचार्य हमारे सर्वप्रथम गुरु होते हैं, उनका जो आह्वान था हमारे नेताओं ने उसका अनुसरण किया, हमने भगवान राम के मंदिर जाने से या नहीं जाने से राजनीति नहीं होती, उनसे ज़्यादा धर्म कर्म करने वाले लोग कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में दिखावा है, नामों पर है, कहीं ईंट के नाम पर, कहीं मंदिर के नाम पर चंदा वसूला किया गया, कहीं भगवान राम के नाम पर पार्टी बनी, सन 1992 से लेके आज तक भगवान राम के नाम पे ही तो चल रही है, बाकी तो सब भ्रष्टाचार के आरोप ही हैं। सब युवाओं को क्या दिया, नौजवानों को क्या, किसानों को क्या, सब तो चारों तरफ तो हाहाकार है, पूरे देश के अंदर किसान बॉर्डर पर जाइए आप, मर्डर उनका सरेआम 700 किसान मर गए मोदी जी की नाक के नीचे, हमारे खेल खिलाड़ियों का पदकों के उनका मंत्री ने सरेआम आरोप लगाए। मैं मोदी जी से और जो कांग्रेस जी हमारे गए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले आप देश के नागरिक हो, देश के नागरिक होने के साथ में आप देश की जिन किसानों की हत्या हुई है, क्या आप राम मंदिर से ज़्यादा उनको मानते हैं? हम नहीं मानते, हमारे लिए सर्वधर्म सद्भाव की विचारधारा ही हमारी पार्टी की लाइन है और हम उसको अनुसरण करते हैं। राम हो, मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हमारे लिए सर्वधर्म बराबर है। बीजेपी लगातार बड़े बड़े बयानों में, बड़ी बड़ी सभाओं में कह रही है राम का मंदिर भव्य बना, मोदी जी ने बनवाया, कई जगह ऐसे काम है जो मोदी जी का नाम लिया जाता है। हमारे शंकराचार्यों ने मना करा कि शंकराचार्यों ने कहा कि अभी मंदिर अधूरा है, यहाँ से हमारे कई लोग गए, मैं रघुवंशी समाज को बिलोंग करता हूँ, हमारे कनक बिहारी दास जी महाराज 1008 स्वर्गीय कनक बिहारी जी महाराज ने 1000 करोड़ रुपये उस मंदिर में दान दिए रघुवंशी समाज की तरफ से, अभी 1250 कुंडली यज्ञ हुआ है वहाँ पे, हमारा यज्ञ था
9000 कुंडली का, लेकिन महाराज जी का देवलोक गमन हो गया, मंदिर छोटा बना। हमारी समाज हो या कोई भी सनातन धर्म को जो मानते हैं वो हों, भगवान राम के मंदिर में सबकी आस्था है, लेकिन हम भगवान राम के मंदिर को पार्टी में नहीं लेते, आस्था में लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आस्था में न लेकर पार्टी का एजेंडा लगाकर अपना वोट मांगने की राजनीति करती है। विदिशा लोकसभा को आप कैसे देखते हैं? देखा जाए, आपने कहा पूर्व सांसद शिवराज सिंह, पूर्व सांसद तो बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश में, लेकिन आपने कई आरोप भी लगाए व्यापम जैसे, कैसे देखते हैं प्रताप भानु, एक साइड कांग्रेस से एक साइड शिवराज सिंह? देखिए, प्रताप भानु जी बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर आदमी हैं, उनका एक विजन है, पूरे संसदीय क्षेत्र का एक उनका मैप है कि इस क्षेत्र के लिए मुझे क्या करना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे शिक्षित, जिसका एक व्यापक सोच हो, जिसने उस समय सांसद रहते हुए, मैं उस समय की बात बता रहा हूँ 80-85 की, जब उस समय सांसद निधि नहीं हुआ करती थी, सांसद को तत्काल किसी काम के लिए घोषणा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ती थी, उस समय प्रताप भानु जी ने पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। आज सांसद प्रताप भानु शर्मा के मुकाबले में जब शिवराज सिंह जी सांसद रहे, तो आपने क्षेत्र पूरा देखा होगा कि इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए जो विकास दिख रहा है वो विकास है क्या? अगर विकास देखना है तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का देखिए, मुख्यमंत्री बाद में बने, पहले सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, यहाँ तो केंद्रीय विदेश मंत्री तक नहीं, सुषमा स्वराज जी, अटल बिहारी जी जीत के गए। हम पूछना चाहते हैं विदिशा के लोकसभा की जनता से कि आकर भारतीय जनता पार्टी पर वो किस मुद्दों पर वोट दे रही है, आपके लिए क्या मिला है, युवाओं को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, नारी सम्मान महिलाओं को क्या मिला है, अल्पसंख्यक वर्ग को क्या मिला है, हम सारे वर्ग ये पूछ रहे हैं। आज हमारे यहाँ के लोग विदिशा से हजारों आदमी पर डे अप डाउन कर रहे हैं, भोपाल जाके नौकरी कर रहे हैं, कई लोगों के घर सिर्फ भोपाल से नौकरी करने के बाद घर जल रहा है। आप बताइए कि मुख्यमंत्री का गृह जिला, मुख्यमंत्री यहाँ से विधानसभा लड़ते हैं, 2013 में इस्तीफा देके बुधनी को चुनते हैं, अपनी कर्मभूमि बताते हैं, यहाँ पे व्यवसाय कर रहे हैं, जमीन ले ली, फैक्ट्री डाल ली, व्यवसाय दृष्टि तो उनकी विदिशा है, बाकी कर्मभूमि जन्मभूमि को अपना सब कुछ मानते हैं। तो हम शिवराज सिंह, आपका कहना है कि शिवराज सिंह ने जमीन ले ली, फैक्ट्री डाल ली, मतलब रोजगार आम लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों का कोई रोजगार नहीं लगे ना, यहाँ के लोगों के लिए कोई सुविधा है। अगर रेल यात्री में जाते हैं तो आप देखिए, पूरी रेल की डिब्बे जो केंद्र की और इनकी है, पूरे एसी कर दिए गए, जनरल कोच हटा दिए गए, स्लीपर कोच हटा दिए गए, जनता पे कितना अत्याचार करेंगे मोदी जी, शिवराज जी जनता को सिर्फ अकेले जनता पे वोट लेकर जनता को गुमराह करते हैं, जनता पे कब तक अत्याचार करेंगे? जनता समझ चुकी है, इस बार जनता जवाब देगी और प्रताप भानु शर्मा जी भारी बहुमत से जीतेंगे। बड़ी बात कही है, बड़ा दावा है कि प्रताप भानु जी यहाँ से जीतेंगे कांग्रेस पार्टी से, शिवराज सिंह पर कई प्रकार के आरोप भी लगाए, अब देखना होगा कि चुनाव में क्या रुझान बनता, कैसे चुनाव गतिविधि आगे बढ़ती है। जनवासानी, उसकी रिपोर्ट, विदिशा लोकसभा।